किस तरह का यो जो होली का त्योहार है किस तरह का मनाया जा है, मतलब क्यों आया था इस दिन? नहीं देखिए सर, बात एक है, राम राम भाई, सारे भाई आपका भाई सुंदर दोनों दिया, और आप देख रहे अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। मेरे पीछे आज आप महिला जो देख रहे हो, बड़ी बड़ी हस्ती हैं, और आज जो कलर इनका चेहरा पर लाग रहा है, क्या तो लाग रहा है, वो सारी बात करांगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? सविता मान जी। कहाँ से? भिवानी से। और कौन सा पन्ना है? रोहतक गेट से। रोहतक गेट। हाँ जी, वाह जी। सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को, मेरे शहरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हाथ जोड़ के प्रणाम। हाँ जी जी, बताइए आज का प्रोग्राम का। आज सुशीला देवी जी जो मेरे साथ खड़े हैं, वो एक हेल्पिंग वुमेन हेल्पिंग सोसाइटी चलाते हैं जी। उन्होंने ये होली मिलन समारोह का प्रोग्राम रखा, और यहाँ महिलाओं ने काफ़ी सांस्कृतिक प्रोग्राम रखे, और ये कलर फूल से होली खेली, और होली के पर्व को बड़े उत्साह के साथ मनाया। मान सब जो होली है, आज आपने लगा है कि एक दूसरे तय बैर काट हैं लोग, तो इसके ऊपर जो जनता देख रही है, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि वो कुछ परसेंट लोग हमारे समाज में हैं, वरना ऐसी कोई भावना नहीं है। हमारे देश का, हमारी संस्कृति का ये बड़ा अहम रोल रहा है कि हर त्यौहार के पीछे हमारे भाईचारे को बढ़ावा दिया गया है, हमारी आस्था को बढ़ावा दिया गया है। होली का त्यौहार भी आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए है, क्योंकि हम इंसान हैं, छोटी मोटी गलतियाँ मनमुटाव होते रहते हैं, वो उन चीज़ों को भुला के, पूरे साल के मनमुटाव को भुला के हम होली के दिन एक दूसरे के घर जाके मिलना, रंग लगाना, उन जो हमारे अंदर एक दूसरे के लेके थोड़ा बहुत कटुता या ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको हम कलरों की तरह रौनक से भर देते हैं, और हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ रहें, यही हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। तो होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? होली का त्यौहार अच्छाई, बुराई पे अच्छाई की जीत, जो हमेशा से होती आई है और आगे भी होती रहेगी, एक विश्वास की। किस तरह का यो जो होली का त्यौहार है, किस तरह का मनाया जा है, मतलब क्यों आया था इस दिन? नहीं देखिए सर, बात एक है, हमारा देश हिंदुस्तान जहाँ हम रह रहे हैं, आप देखिए उठा के हमारी जो ग्रंथ है, हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई कारण रहा है। कारण सिर्फ एक ही है, उनका मकसद एक ही है, हमारे समाज को जोड़े रखना, और होली का त्यौहार भी उसी के लिए मनाया जाता है। अब आपने पूछ लिया तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो पूर्वजों में, जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है, उसमें ये लिखा हुआ है, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई है होली का त्यौहार मनाने की, कि हिरण्यकश्यप जी एक जो राक्षस थे, उनके घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने प्रहलाद रखा, लेकिन वो बिल्कुल अपने बाप पिता के बिल्कुल विपरीत उनका स्वभाव था, वो बड़े आस्तिक थे, भगवान में विश्वास रखते थे। उस चीज़ को लेके उनके पिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा पुत्र मेरे खिलाफ जा रहा है, उनको ऐसा लगता था, और ऐसे में उन्होंने अपनी बहन का, होलिका का सहारा लिया कि वो उसको अग्नि में बैठाए, और क्योंकि होलिका को ये था कि वो वरदान था कि वो कभी भी उसमें भस्म नहीं होंगी, तो ऐसे में, लेकिन उनके प्रहलाद जी की भक्ति देखिए, उनका विश्वास देखिए कि जीत उन्हीं की हुई और वो अमर रहे, उसी के लिए हम, ये हमारे समाज के लिए पूर्वजों से लेके आज तक ये संदेश रहा है कि हमेशा बुराई हारती है और अच्छाई जीतती है। बिल्कुल। नमस्ते। नमस्ते जी। तो आज का क्या प्रोग्राम था? आज होली मिलन समारोह महिला दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया था। ये सविता मान जी हमारे उसकी चीफ गेस्ट थी, तो मैं देश व प्रदेश वासियों को, हमारे भिवानी वासियों को, सभी को होली व महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ जी, और हमारे स्टार सुंदर न्यूज़ चैनल को भी, सभी दर्शकों को, सभी को हैप्पी होली जी। आपका क्या कहना है, बताओ आज का बारे में? पहले स्टार सुंदर को धन्यवाद, जो ये कीमती समय निकाल कर होली समारोह में यहाँ पे पहुँचे, जो सुशीला मैडम ने, ये वुमेन हेल्प सोसाइटी की जो अध्यक्ष हैं, इन्होंने जो प्रोग्राम रखा बहुत अच्छा है, जो सविता मैडम भी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे। मैं देशवासियों और प्रदेशवासियों के, भिवानी शहर के सभी को होली समारोह का धन्यवाद करना चाहती हूँ, और ऐसे जैसे होली मिलन समारोह है, रंग बरंग एक दूसरे में भरते हैं, ऐसे ही सब अपना प्रेम बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। चलो धन्यवाद।
तो सर बताइए आज का जो समारोह है कितना अच्छा रहा है और कौन कौन? वुमन हेल्पिंग सोसाइटी द्वारा आज होली मिलन एवं महिला दिवस पर जो कार्यक्रम किया गया है इससे भाईचारा का बढ़ाव होता है, ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। और इनकी पूरी टीम को मैं महिला दिवस की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो है होली का जो है भाई त्यौहार चल रहा है और प्यार तो जो है भाई होली का त्यौहार मनाओ, एक दूसरे का रंग लगाओ और भाई बैर ना काटो किसी के साथ में, क्योंकि जो भाई रात होंदी जा है कितने कितने अपन लड़ाई दिख है। हाँ भाई इस दिन आज लड़ाई जरूर होगी, किसी न किसी की जरूर हो है, तो भाई बैर भाव ना काटो और प्यार तो भाई जो है होली का त्यौहार मनाओ। राम राम सारे भैया ने। मैं सतवीर सिंह देरान और रेलवे में कार्यरत हूँ और एज ए कोच पद पर, और हमारा भी एक प्रतिभा विकास मंच है, वो भी बच्चों के लिए खेल क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रहा है। और आज जो वुमन हेल्पिंग सोसाइटी ने जो ये कार्यक्रम किया है होली मिलन समारोह को, ये बहुत ही वास्तव में सराहनीय कदम है। इससे हम आपस में मेल जोल और भाईचारे की भावना बनती है, तो एक दूसरे का सहयोग बनता है, एक दूसरे जान पहचान बनती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें इस तरह के मिलन समारोह हर त्यौहार पर, होली दिवाली पर करते रहना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।